हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आपका स्वागत है केएस पूरी में। हमारे घर के बगल एक आंटी रहती हैं जो कि बिहार से हैं और वो छठ पूजा करती हैं। आज हम उन्हीं के साथ आपको प्रसाद बनाने का वीडियो दिखाएंगे। तो ये गेहूं का आटा है, उसमें हमने घी डाला और ये मिश्रण है नारियल और छुहाड़े का जो कि मिक्सर में पीसे हैं। अब हम इसे मिला लेंगे, अच्छे से मोयन देंगे, पिसी हुई चीनी मिलाकर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो तैयार कर लेंगे। हमने डो तैयार कर लिया है, यह चीनी और गुड़ का घोल है। अब हम थोड़ा थोड़ा घोल डालकर दूसरा आटा भी तैयार कर लेंगे। डो को टाइट ही गूंथना है। चूल्हे को टीका जाएगा। प्रसाद बनने से पहले चूल्हे को टीका जाता है। आंटी ने बताया है कि छठ पूजा का प्रसाद चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर छठ पूजा का प्रसाद तैयार किया जाता है। आंटी ने चूल्हा टीक लिया है। चूल्हे पे कढ़ाई रखकर कढ़ाई में तेल डालेंगी। डो हमारा तैयार है। छोटी छोटी लोइयां काट के अर्घ देने का प्रसाद बनाएंगे। अब लोइयों को लकड़ी के सांचे से डिजाइन देंगे। बिहार में छठ पूजा बहुत प्रसिद्ध है। अब तो ये पूजा हर जगह के लोग करने लगे हैं। हमारे यहाँ यूपी में भी ये पूजा की जाती है। इस प्रसाद को ठेकुआ कहा जाता है। चीनी और गुड़ के घोल से जो डो तैयार किया गया था उससे यह हम प्रसाद बना रहे हैं। अब हम अपने प्रसाद को छानेंगे एक एक करके। जितना ठेकुआ कढ़ाई में आ सके उतना डालें। अब हम इसे थोड़ी देर तलने देंगे। छठ पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। सूर्य उपासना का लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मगही और भोजपुरी लोगों का
सबसे बड़ा पर्व है। इस पूजा को 36 घंटे का व्रत रख के किया जाता है। इसमें साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं किया जाता। छठ पूजा में सूर्य देवता और छठ माता की पूजा की जाती है। आज हम आपको छठ व्रत की कहानी सुनाएंगे। प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फल स्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिए। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं खस्ती देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से जो मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के इच्छा को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी के बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की खष्टी तिथि के दिन देवी खष्टी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फल स्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ पूजा का 4 दिवसीय त्यौहार होता है। डूबते सूर्य और उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। कितने अच्छे से ये हमारा प्रसाद बन चुका है। अब हम इसे कढ़ाई में डाल के फिर तल लेंगे।
एक तरफ से तल जाए तो दूसरी तरफ पलट लें। आंटी लोग दो तीन तरह से आटे को गूंथ के प्रसाद बनाएंगी। एक चीनी और गुड़ का घोल बनाकर प्रसाद बनाई है। नारियल और छुहाड़ा पीस के घी का मोयम दे के प्रसाद बनाई है। और तीसरा चीनी के घोल से बनाई है। पानी में चीनी डालकर घोल बना लेंगे। चीनी को अच्छे से गला लेंगे। चीनी और पानी का घोल डालकर डो तैयार करेंगे। ये चढ़ाने के लिए फल है, इसे अभी धुला जाएगा। बहुत सारे प्रसाद बन रहा है, इसीलिए अब अंकल जी बना रहे हैं। इस तरह सूप और तोड़ी को टीका जाता है, फिर फल को भी टीका जाता है।
पान और सुपारी रखा जाता है, फिर एक एक करके जितने फल चढ़ाए जाते हैं रखे जाते हैं। सूखा नारियल अनानास, ठेकुआ, हल्दी, अदरक, मूली का पेड़, सेब, अनार, केला, सिंघाड़ा, नींबू, ये सारी सामग्रियाँ चढ़ाई जाती हैं।